कौन करोड़ कैसे आप सब लोग, मैं शुभ दोलकिया कौन करोल चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। सो गाइस, आप देख रहे हैं ऐप ऑफ द वीक सीरीज जो मैं लेकर आता हूँ एवरी संडे सुबह 10 बजे। इसमें मैं आपको हर एक एप्लीकेशन का एक्सप्लेनेशन प्लस उसकी रिव्यूज और साथ साथ में उसके रेटिंग्स देता हूँ। और ये एप्लीकेशन ऐसी होती है जो एक स्टूडेंट, एक एम्प्लॉय, एक हाउसवाइफ और इवन एक बिजनेस पर्सन के काम आती है। तो यार ये सभी एप्लीकेशन बहुत ही यूजफुल होती है। एंड इवन गाइस, इसमें से बहुत सारी एप्लीकेशन को आप जानते हैं बट उसके अच्छे अच्छे फीचर्स आप नहीं जानते, तो वो सभी फीचर्स आपको इस वीडियो में सीखने को मिलता है। तो गाइस, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। एंड इवन गाइस, लास्ट में यहीं पे आपको एक सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली यहीं से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। राइट गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं गूगल मैप्स। यार ये गूगल मैप एक ऐसी एप्लीकेशन है जिस एप्लीकेशन ने यार तहलका मचा दिया है। तो गाइस, आज हम इसी ऐप को जानेंगे और लास्ट में उसको रिव्यू भी करेंगे। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली गाइस, हम लोग गूगल मैप्स को सिर्फ कहीं पे जाने के लिए या फिर कोई एड्रेस ढूंढने के लिए ही सिर्फ इसको यूज करते हैं, बट इसके बहुत सारे यूज है। इवन गाइस, आप कोई भी जगह का मैप डाउनलोड करके अपने फोन में रख सकते हैं कि अगर आप कहीं पे जाओ और उस सिटी में हो अगर आप, तो यार आपको कहीं पे जाना है तो डायरेक्टली आप डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। इवेंचुअली गाइस, आप ऑफलाइन होंगे तो इसका एक ही मतलब मिसलीडिंग पॉइंट होगा कि आपको सिर्फ ट्रैफिक नहीं दिखेगा। मतलब यार मुझे ट्रैफिक की जरूरत ज्यादा पड़ती है तो मैं हर बार ऑनलाइन ही देख लेता हूँ, बट कोई कोई जगह पे मैं जब भी जाता हूँ तो यार वहाँ पे मैं ऐसे ही यूज करता हूँ डायरेक्टली ऑफलाइन। इवन गाइस, आप कहीं पे जा रहे हैं और ऑन द वे है और आपका इंटरनेट बंद हो गया और आपका मैप चालू था, तो यार इसमें एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि ये जो गूगल मैप है वो अपने आप ही पहले से अंदर डाउनलोड करके रख देगा। तो यार आपको मतलब कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑफलाइन भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट गाइस, तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई। इवन गाइस, अगर आप कैब बहुत ही यूज करते हैं तो यार आप मैप्स को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली उसमें अपना डेस्टिनेशन डाल दीजिए, आपको टाइम और उसके साथ साथ कैब के रेट्स भी मिल जाएंगे और अलग अलग सभी कैब आपको मिल जाएगी। मतलब ऊबर हो गया, ओला हो गया, तो यार ये सभी चीज आपको एक ही जगह पे दिख जाएंगे, तो आप डायरेक्टली रेट्स भी कंपेयर कर सकते हैं। एंड इवन गाइस, आप वहीं से अपना ऐप है वो भी ओपन कर पाएंगे। राइट गाइस, तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई। तो आप डायरेक्टली यहीं से सिलेक्ट कर पाएंगे कि आपको कौन सी कैब चाहिए। अगर आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं तो वहां की भी जो भी कैब कंपनीज होगी वहां के भी ऑप्शन आपको यहीं पे दिखाएंगे। राइट गाइस, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ऊबर और ओला ही दिखा रहे हैं, जितने भी कैब कंपनीज आपके सिटी में या फिर आप जहां पे भी घूमने गए वहां पे है वो सभी आपको दिखाएंगे। राइट गाइस, तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई। इवन गाइस, आप गूगल मैप्स में लोकल गाइड भी बन सकते हैं। आपको नीचे दिख रहा है कंट्रीब्यूट, तो आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली वहां पे कोई भी प्लेस ऐड भी कर सकते हैं और आपने रिसेंटली जो भी प्लेसेस पे विजिट की है वो सभी प्लेस भी दिखाएंगे। तो आप डायरेक्टली वहां से रेटिंग्स दे सकते हैं, उसके बारे में रिव्यूज लिख सकते हैं और साथ साथ में उसके फोटोज भी अपलोड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि दूसरे लोग जो वहां पे जाने की सोच रहे उनको भी ओवरव्यू मिल जाएगा कि यार वहां पे अच्छा काम होता है या नहीं, अच्छी जगह है या नहीं। राइट गाइस, एंड इवन आपको बेनिफिट क्या होगा, आपको इससे गूगल रिवॉर्ड्स के पॉइंट्स मिलेंगे। यार आप सोचेंगे कि ये पॉइंट्स कहां पे काम आएंगे, तो गाइस इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि यार कोई भी न्यू ऐप आ रही है तो आपको उसमें अर्ली एक्सेस मिल जाएगा और ऐसे ही बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो आप इसमें लोकल गाइड भी बन सकते हैं। एंड इवन गाइस, इससे आप दूसरे लोग की भी हेल्प कर सकते हैं। राइट गाइस, तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई। नियर बाय प्लेसेस, तो गाइस आप नियर बाय प्लेसेस भी देख सकते हैं कि यार आपके घर के पास कौन से अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स है, कौन से अच्छी जगह है, अम्यूजमेंट पार्क है, और वैसे ही आप सब कुछ देख सकते हैं। तो गाइस ये भी बहुत अच्छी चीज है। इवन गाइस, आप इसमें अपना लाइव लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं। ये कैसे होगा, आपको सिर्फ अपनी लोकेशन के ऊपर एक बार टैप करना है, आपको अपनी लोकेशन के ऊपर आपको एक बार टैप करना है, वहीं से आप अपनी लोकेशन को शेयर कर पाएंगे। इवन आप नियर बाय प्लेसेस भी देख पाएंगे। राइट गाइस, ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको गाइस नहीं बताया कि लाइव लोकेशन का मतलब क्या होता है, तो हमने उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, तो डायरेक्टली आपको उसकी लिंक ऊपर दिख रही है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। इवन गाइस, आप कभी कॉन्सर्ट में जाते हैं, फिर बहुत बड़े मॉल्स में जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, तो आपने अपनी कार जो पार्क की होती है वो आप शायद भूल जाते हैं कि कहां पे पार्क की थी। राइट, तो इसके लिए भी आपको गूगल मैप्स हेल्प करेगा। राइट गाइस, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आप जब भी अपनी कार के लिए पार्क करें तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपनी लोकेशन पे टैप करना है और वहां पे लिखा हुआ आ जाएगा सेव योर पार्किंग। तो आप जैसे उस पर टैप करेंगे वो जगह सेव हो जाएगी एज योर पार्किंग प्लेस। तो ये भी बहुत अच्छी चीज है कि आप जब भी फिर से अपनी पार्किंग प्लेस पे जाना चाहते हैं तो आपको डेस्टिनेशन की जगह पे लिख लेना होगा पार्किंग और वहीं पे आपको डायरेक्टली ऑप्शन मिल जाएगा और डायरेक्टली आप अपनी पार्किंग प्लेस पे जा सकते हैं। राइट गाइस, तो ये भी बहुत अच्छी चीज हो गई। यार ये गूगल हमें बहुत अच्छे से हेल्प कर रहा है। और अगर आपको ये वीडियो की सभी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है गाइस, तो इसको लाइक करना ना भूले और साथ साथ में आप सब्सक्राइब भी कर लेना हमारे चैनल को, तो आपको ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो गाइस, एक चीज जो है वो मुझे बहुत काम आती है, आप अपने जो होम और आपकी जो वर्क प्लेस है उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी कॉलेज और अपने होम को सेट किया हुआ है, तो जब भी मुझे होम टू कॉलेज या फिर कॉलेज टू होम जाना होता है तो कुछ भी नहीं करता हूं, मैं डायरेक्टली कम्यूट पे क्लिक करता हूं और डायरेक्ट वहां पे मुझे दिखा देते हैं कि ट्रैफिक कितना आएगा बीच में और मैं कितनी देर में अपने घर पे पहुंच पाऊंगा या फिर मैं अपने कॉलेज पे पहुंच पाऊंगा। राइट गाइस, तो आप ऐसे बहुत सारी अलग अलग प्लेसेस को भी सेट कर सकते हैं और आप जहां पे रेगुलरली जाते हैं आप उसको यहीं पे सेट कर सकते हैं। राइट गाइस, तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई। सो इवन गाइस, आप कहीं पे जा रहे हो और रास्ते में आपको दिखा कि यहां पे एक्सीडेंट हो गया, कंजेशन हो गया, तो यार आप कुछ भी नहीं करना है आपको, आप डायरेक्टली वहां पे उस बटन पे क्लिक करके नीचे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि यहां पे क्या हुआ है। तो इससे क्या होगा कि दूसरे लोग जो वहां पे आ रहे हैं
उनको शायद ट्रैफिक में ना उलझना पड़े और वो साइड में से निकल जाए, दूसरा रास्ता सिलेक्ट कर ले। राइट गाइस, सो गाइस एक कोट है, गिव बैक टू द सोसाइटी। तो यार आप ऐसे ही अपनी सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं। इवन गाइस ये आपको भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यार आप कहीं पे जा रहे हो और आपको दिख जाएगा मैप में कि यार यहाँ पे तो कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ है, किसी ने रिपोर्ट किया हुआ है, तो आप डायरेक्टली दूसरा रोड सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट गाइस, तो ये बहुत अच्छी चीज है, आप दूसरों की हेल्प ऐसे भी कर सकते हैं। सो गाइस लास्ट फीचर इज, आप जिस जिस जगह पे इंटरेस्टेड है जाने के लिए आप वो जगह सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको कोई भी जगह बहुत पसंद है कि वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी इवेंट्स होती रहती है, तो आप डायरेक्टली उस जगह पे सिलेक्ट करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि वहाँ पे कोई भी न्यू इवेंट होने वाली होगी तो आपको पहले से उसकी रिमाइंडर आ जाएगी। एंड इवन गाइस, कोई ऐसी जगह भी होती है जो हमें जरा भी पसंद नहीं होती है, इवन वहाँ पे इवेंट्स होती रहती है बट हमें वो जगह ही पसंद नहीं होती है, तो आप वो भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन दिख रहा है, प्लेसेस यू आर इंटरेस्टेड इन एंड प्लेसेस यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन, तो आप दोनों को सेट करके रख सकते हैं। राइट गाइस, तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई। तो गाइस अब हम चलते हैं रिव्यूज की ओर एंड देखते हैं इसके रिव्यूज एंड रेटिंग्स। राइट गाइस, सो गाइस इट्स रिव्यू टाइम। सो गाइस अब हम देखते हैं टॉप मोस्ट 3 फीचर्स जो मेरे फेवरेट है। सो गाइस इसका जो थर्ड मोस्ट फीचर है वो है, आपको इसमें कैब का भी ऑप्शन मिलता है। तो गाइस आप कैब, कोई भी कैब की रेट्स को कंपेयर कर सकते हैं, इवन आप टाइमिंग भी देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। राइट गाइस, तो ये बहुत अच्छी चीज होगी। इसके बाद सेकंड मोस्ट बेस्ट पॉइंट जो है वो है, आप इसमें अपनी पार्किंग प्लेस को स्पॉट आउट कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। आप कभी बहुत बड़ी मार्केट में गए और आपने अपना व्हीकल कहीं पे भी पार्क किया हुआ है तो आप डायरेक्टली उसको स्पॉट कर सकते हैं। राइट गाइस, तो ये बहुत अच्छी चीज हो गई। सो गाइस फर्स्ट बेस्ट पॉइंट इज कि आप इसमें अपना रेगुलर कम्यूट सेट कर सकते हैं, और आप जैसे ही कम्यूट पे क्लिक करेंगे आपको डायरेक्टली दिखा देंगे इसमें कि आपको आपकी जो वर्क प्लेस है वहां पे जाने के लिए कितना ट्रैफिक बीच में आएगा, इवन आप कितनी देर में वहां पे पहुंच पाएंगे, एंड इवन आपको वर्क प्लेस टू होम आना है तो उसमें भी आपको कितनी देर लगेगी। राइट गाइस, बहुत अच्छी चीज हो गई। तो चलिए गाइस अब इसको देते हैं रेटिंग्स। तो हमने प्ले स्टोर को ओपन कर लिया है, यहाँ पर हम इसको रेटिंग्स देंगे 5 स्टार, क्योंकि यार मतलब बहुत अच्छी चीज बनाई है, मतलब इसमें हमें कोई भी कमी नहीं दिख रही है, तो इसको हम देते हैं 5 स्टार, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो गाइस इसमें हमने दे दिए 5 स्टार। तो चलिए गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये लास्ट 20 सेकंड है, यही आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो डायरेक्टली सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, इवन यार लाइक के बटन को दबा के जाना। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नाइस टाइम, सी यू गाइस लेटर।